आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा मोर्टार था ड्राई की कंडीशन में क्यों 33% इंक्रीज कर रहा था, जो हमारा कंक्रीट था वो भी ड्राई के केस में क्यों 33% इंक्रीज कर रहा था। देखिए, तो मार्केट से हम लोग मटेरियल लेते हैं, सीमेंट लिए, सेंड लिए, एग्रीगेट लिए, जो भी लेते हैं हम ड्राई की कंडीशन में लेते हैं, ठीक। लेकिन साइट पे जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें वाटर मिक्सिंग करके, जैसे कि मान लीजिए आपको कंक्रीट ही बनाना हो तो कंक्रीट में क्या सीमेंट है, सेंड है, एग्रीगेट है, लेकिन उसके साथ साथ वाटर भी है, ठीक है। जब वाटर मिक्स करेंगे तो हमारा वो कंक्रीट ड्राई से, मटेरियल ड्राई से वेट के कंडीशन में आ जाएगा, ठीक। वेट की कंडीशन में आता है तो क्यों हमारा ड्राई से 33% या 54% हमारा डिक्रीज कर रहा जा रहा है वेट कंडीशन में, ठीक। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते थे तो जैसे कि प्लास्टर का क्वांटिटी निकालते थे तो मटेरियल जो हम टोटल प्लास्टर की वॉल्यूम निकालते थे वो हमारा वेट के कंडीशन निकालते थे, क्योंकि मान लीजिए दीवार साइड से ब्रिकवर्क हो रहा है, ठीक है। मटेरियल जो भी लगा है हमारा वेट के कंडीशन में लगा है, तो वहाँ पर जो भी हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे वो हमारा वेट कंडीशन में फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उसकी क्वांटिटी वाकई लगी कितनी है इसको निकालने के लिए हमको उसका ड्राई कंडीशन चाहिए। ड्राई कंडीशन निकालेंगे कैसे, तो वही जब टोटल वॉल्यूम का हम प्लास्टर के केस में 33% बढ़ जा रहा था ड्राई के कंडीशन में, और जो हमारा कंक्रीट था वो हमारा 54% बढ़ जा रहा था। लेकिन वो बढ़ क्यों रहा था उसको मैं आज आप एक थ्योरी के थ्रू समझा रहा हूँ, ठीक। देखिए, इस थ्योरी में मैंने दो कंटेनर लिया है, ठीक। पहला है ड्राई कंडीशन में, दूसरा है वेट कंडीशन में, ठीक। पहले ड्राई कंडीशन में है हमारा जो मटेरियल है, सीमेंट है, सैंड है, एग्रीगेट है, ठीक है। ये हमारा मटेरियल है ड्राई के केस, ठीक। जब ये मटेरियल में हम वाटर मिक्सिंग कर दे रहे हैं तो ये हमारा जो इसका लेवल था, लेवल हमारा क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। अब ये लेवल डिक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि हमारे मटेरियल में एयर बबल्स होते हैं, एयर के वॉइड्स। जब हम वाटर मिक्सिंग करते हैं तो वाटर क्या करता है, एयर बबल्स को रिमूव कर दे रहा है। जब एयर बबल्स नहीं हो जाए वहाँ से, तो हमारा क्या हो रहा है, मटेरियल कम्पैक्ट हो जा रहा है, इजिली कम्पैक्ट हो रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है। जब वाटर से मटेरियल कम्पैक्ट हो रहा है तो इसकी वॉल्यूम जो है वेट, ड्राई से वेट में हमारा वॉल्यूम डिक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। ये क्यों डिक्रीज कर रहा है, देखिए इसमें क्या क्या मटेरियल है, सीमेंट है, सेंड है, एग्रीगेट है और वाटर है, चार मटेरियल है। चारों में सबसे कम बाकी सबकी डेंसिटी वाटर से कम है, वो सॉरी ज़्यादा है। वाटर की डेंसिटी 997 है, सीमेंट की डेंसिटी 1440 है, सेंड की डेंसिटी 1442 से 2082 है, और एग्रीगेट की डेंसिटी 1200 से 1750 है किलोग्राम पर एम क्यूब, ठीक। लेकिन इन इन चारों आइटम में हमारा डेंसिटी सबसे कम किसका है, तो हमारा वाटर का है, ठीक है। अब वाटर की डेंसिटी कम है, बाकी सारे मटेरियल तो नीचे रहेंगे, वाटर जो हमारा है वाटर जब पड़ेगा तो एयर की डेंसिटी वाटर से भी कम होती है, ठीक है। तो एयर हमारा क्या होगा, जैसे ही वाटर जाएगा तो वाटर हमारा उस जगह को फिल करेगा और वहाँ से एयर को रिमूव करेगा। जब एयर को रिमूव करेगा तो हमारा क्या बच जाएगा उस जगह पे, वाटर। लेकिन वाटर की डेंसिटी ज़्यादा किसकी है, सीमेंट की भी ज़्यादा है, सैंड की भी ज़्यादा है, एग्रीगेट की भी ज़्यादा है। तो जो जगह बचेगा उस जगह को ना कि वाटर फिल करेगा, उस जगह को सीमेंट और सैंड एग्रीगेट चाहेगा कि मैं फिल कर लूँ, क्यों, क्योंकि हमारी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक। तो उस जो स्पेस, जो एयर वॉइड के निकलने से जो हमारा स्पेस बच रहा है, उस जगह को हमारा जो ये मटेरियल है वो फिल कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, जैसे यहाँ पे स्पेस है, ये मटेरियल हमारा उस जगह को फिल करेगा तो ये क्या होगा, इसका लेवल डाउन होगा, ये डिक्रीज करेगा, इजली कम्पैक्ट होगा, ठीक। तो वही हमारा मटेरियल जो है इजली कम्पैक्ट हो रहा है वेट से ड्राई की कंडीशन में, ठीक है। जो हम प्लास्टर की क्वांटिटी, ब्रिकवर्क की क्वांटिटी, कंक्रीट की क्वांटिटी, इन सब में जो मटेरियल हम लोग फाइंड आउट करते थे, ब्रिकवर्क में प्लास्टर हुआ, प्लास्टर में मोर्टार हुआ, कंक्रीट हुआ, तो ये हमारा ड्राई की कंडीशन में हम लोग कैलकुलेशन से निकालते थे जो वॉल्यूम आया, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करते थे, वेट की कंडीशन में निकालते थे और क्या करते थे, ड्राई की कंडीशन में हम लोग कन्वर्ट करते थे। तो कन्वर्ट करते थे तो जो ये डिक्रीज हो रहा है, इसी के लिए हम लोग 33% प्लास्टर के केस में इंक्रीज प्लस कर लेते थे वॉल्यूम का, और कंक्रीट के केस में 54% प्लस कर लेते थे, ठीक है। यहाँ पे क्लियर लिखा भी है, इन द केस ऑफ मोर्टार ड्राई डेंसिटी इज मोर देन 33% ऑफ टोटल वॉल्यूम। जो टोटल वॉल्यूम हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसका 33% इंक्रीज कर जाएगा ड्राई के कंडीशन में, और इन द केस ऑफ कंक्रीट ड्राई डेंसिटी इज मोर देन 54% ऑफ टोटल वॉल्यूम। 54% हमारा ड्राई के कंडीशन में कंक्रीट जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा कि ड्राई कंडीशन से वेट कंडीशन
ड्राई कंडीशन और वेट कंडीशन, हमारे दो कंडीशन जो फाइंड आउट हो रहा था इसमें मटेरियल हम लोग वेट कंडीशन में कैलकुलेट कर रहे थे मटेरियल का वॉल्यूम, लेकिन हम मार्केट से परचेजिंग करते हैं ड्राई कंडीशन में, तो हमको जो मटेरियल की क्वांटिटी चाहिए ड्राई की कंडीशन में चाहिए, तो हम लोग वॉल्यूम क्या कर रहे थे प्लास्टर का, प्लास्टर मोर्टार का क्या कर रहे थे 33% प्लस कर दे रहे थे, और कॉन्क्रीट का क्या कर रहे थे 54% प्लस कर रहे थे। जो मोर्टार होता है हमारा 27-33% तक होता है, कॉन्क्रीट जो होता है 52-54% तक होता है। ठीक, आई होप ये आपको वीडियो क्लियर समझ में आएगा कि क्यों हम इंक्रीज कर रहे थे वॉल्यूम को कंक्रीट में भी प्लास्टर में भी। थैंक यू।